एक इंटरस्टेट चोर गिरोह का मेंबर है, हरिकिशन उत्तर राज किशोर निवासी संगम यार थाना तिगड़ी दिल्ली। ये लगभग 3 दर्जन चोरी की वारदातों में अब तक शामिल रह चुका है और हमारे यहाँ से इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। ये इस पे 16 केसेस दिल्ली पुलिस के हैं, चोरी के दिल्ली के इलाके से चोरियाँ की हैं। 19 केसेस गुड़गांव के हैं और 7 केस फरीदाबाद के हैं और भी कई जगह की चोरियों में शामिल रहा है। और अब हमारे 6 केसेस में ये प्रेजेंटली वांटेड था, इसलिए ही हरियाणा पुलिस ने इस पे 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर कर रखा था। तो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने कल इसको दिल्ली से अरेस्ट किया है। इसे जो मुकदमे हैं उनमें शामिल जांच करके इसे पूछताछ की जा रही है और आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे और उसके बाद जो भी चोरी की वारदातों में ये शामिल रहा है उनमें रिकवरियां की जाएँ। सर क्या कुछ किस गैंग से ताल्लुक रखता है, कब से सक्रिय था सर? ये दलीप वगैरह इसके साथी हैं और ये बहुत लंबे समय से वहाँ पे चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। 2014 से ये लगातार चोरी की वारदातों में शामिल है और ये गिरफ्तार भी पहले भी हो चुका है, फिर भी बाज नहीं आता, बाहर आते ही फिर चोरियों में शामिल हो जाता है। तो इस तरह का हैबिचुअल क्रिमिनल है और इसको हमने फिर गिरफ्तार करके और अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जा। सर किस तरीके की चोरियां, सर दुकानों में, मकानों में या फिर सड़कों पर? किस ये घरों की चोरियां करते हैं और बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, घर में घुस के, जो बंद घर होता है उसमें घुस के और वहां से जो भी सामान इनको मिलता है उसको चोरी करके लेके जा। सर चोरी के अलावा कोई और कुछ क्राइम भी करते थे, कुछ खुलासा हुआ इस चीज़ को लेकर? नहीं, ये चोरी में ही, घरों की चोरियों में ही शामिल। सर किस तरीके से इसको ट्रेस किया और कैसे पकड़ लिया? देखो ये पुलिस की इंटेलिजेंस है और उसके आधार पे ही हमने इसको ट्रेस किया है और ये इस पर लगातार हम प्रयासरत थे और ये कल हमें हमारी पकड़ में आया तो हमने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।